प्रदेश के जल संसाधन विकास मंत्री व नीमच जिले के प्रभारी मंत्री हुकुम सिंह ने पेट्रोल पंप के दामों में वृद्धि पर अजीबोगरीब बयान देकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रभारी मंत्री की फिसली जुबान ने कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ाना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, त्रासदी पर त्रासदी हो रही है, ये भी एक त्रासदी है। मंत्री हुकुम सिंह कराड़ ने कहा कि देश के लिए मोदी जी की आर्थिक नीति में एक और काला अध्याय जुड़ गया। जब मंत्री से ये कहा गया कि ये दाम मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाए हैं, तो फिर मंत्री अपने आप को संभालते हुए बोले कि वो तो चलता है, जितना पैसा होगा उतना कलेक्शन करेंगे। क्या कहेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये और त्रासदी पे त्रासदी हो रही है, ये भी एक त्रासदी ही है देश के लिए। और मोदी जी की जो नीति है, आर्थिक नीति, उसमें एक काला अध्याय और जुड़ गया। मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार प्रदेश में तो खजाना खाली कर चली गई, शिवराज सरकार ने तिजोरी में तो झाड़ू लगा दी और चले गए, वहीं कमलनाथ सरकार ने जो वेट बढ़ाया है वो नॉमिनल बढ़ाया है। वो तो चलता है, जितना पैसा होगा कलेक्शन उतना करेंगे, खजाना तो खाली करके चले गए, झाड़ू लगा दी तिजोरी में तो, और हमने भी नॉमिनल बढ़ाया है जो हमने बढ़ाया है। और इनके रोज देखिए आप वेरी कर रहे हैं इनके रेट की, आप कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाए, डेली तो वेरी कर रहे हैं उनके भी रेट। वहीं हनी ट्रैप मामले में कहा कि सरकार जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, नीमच।